नमस्कार डिस्क्रोजर विद विनोद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ डिस्क्रोज करेंगे बसंत सैनी जो किसान बोर्ड के मेंबर भी हैं और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी आपका स्वागत है चिंता का विषय यह है कि ड्राट जैसी सिचुएशन बनी हुई है यानी सूखा पड़ा हुआ है और अभी भी कहा जा रहा है कि पच्चीस के बाद संभावनाएँ हैं तो ऐसी स्थिति में किसानों की क्या हालत है क्योंकि आप खुद भी किसान हैं और किसानों से आप निरंतर बातचीत करते रहते हैं मनोज जी धन्यवाद आपने किसानों के बारे में हमें कुछ पूछने के लिए जहाँ बुलाया जी क्योंकि हमारा जो मैं रहता हूँ बॉर्डर के तीन किलोमीटर पहले मेरा गांव होता है हर जहाँ उसमें नाइन्टी परसेंट लोग किसान हैं तो डिपेंड ही अपनी एग्रीकल्चर आप पे हैं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बॉर्डर पे लोगों ने अपना इंतजाम किया है वहाँ हर एक जितने भी किसान हैं उन्हें अपने अपने पंप सेट लगाए हैं जी तो मेरी पहले बात हुई आपसे कि उनको ट्वेंटी फोर आवर बिजली देने की जरूरत है वो उनकी उनकी गंदमो ठीक हो जाएगी लेकिन जो एरिया पड़ता है कंडी में कंडी कंडी, वो कंडी वो भी के किसान हैं वो भी किसान हैं लेकिन वो भी डिपेंड है इस पर जी उनकी हालत खस्ता है लेकिन जो एरिया पड़ता है रणवीर किनाल का जहाँ जम्मू से लेकर नीचे मड़ ब्लाक तक और आगे आर्सपुरा ब्लाक बिश्ना ब्लाक वो लोग डिपेंड हैं कनाल पे तो वहाँ कनाल पे पानी नहीं है इस वक्त इस उसकी रिपेयर चल रही है कहीं सी डिसल्टिंग हो रही है तो अब पानी की संभावना कम है तो अगर वहाँ उनको लोगों को दस दिन पानी मिल जाए तो मेरे ख्याल में कोई दो रायने के खराब बच सकती है जी तो बारिश पे लोग डिपेंड है बारिश कब भरे आएगी कब नहीं आएगी ये तो ईश्वर जानता है गंदम की फसल को कितनी बार पानी चाहिए होता है देखो और अब कितना लेट हो गया है बुआई के बाद कितना पानी नहीं मिला है जो गंदम की क्राप है विनोद जी अगर बारिश ना आए तो इसको तीन पानी की जरूरत होती है तो पहला पानी इसकी जो होती है बुआई के बाद इक्कीस दिन बाद होता है पहला पानी पच्चीस दिन के बीच बीच तो अब इतने दिन एक्सीड कर अब पंद्रह दिन आध एक्सीड कर गया ओके तो हम कहते हैं जैसे भाई गंदम कहते हैं इसको मट्टी पे आ गई इतना पौधा हो गया मट्टी बोलते हैं उसको बीच में तना बन गया तो जब तना बन जाता है गंदम का फिर उसको तो पानी देने का फायदा भी कम होता है क्योंकि जो उस, उसका नीचे से उसने अपना ज़्यादा बढ़ना होता है वो कम हो जाता है जी हाँ तो इसलिए पानी की जरूरत तो है ही है जी सुनने में ये भी आया था कि आपने चीफ इंजीनियर इरीगेशन से बातचीत भी की थी हाँ कि आप पानी छोड़िए कोई व्यवस्था कीजिए और इस वक्त समय की नज़ाकत यही कहती है कि, कि कम से कम जो रणवीर कैनाल है उसकी जो ऑर्ट्रब्यूटरीज हैं उनमें पानी छोड़ा जाना चाहिए देखो इसकी डि, डिस्ट्रीब्यूटी मेरे ख्याल में सतारा टोटल डिस्ट्रीब्यूटरी है कनाल की जी तो जो सतारा डि, डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंड है मेन कनाल पे जी तो मेन कनाल का मैंने आपको पहले बताया साइफन जो है वो लीक हुआ है तो अभी मैं पिछले बरसात में वो बंद होने के कगार पर था लेकिन मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट थोड़ा सी शाबाश देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके डेली रिपेयर लगाई थ्रड आया रिपेयर लगा दी उन्होंने मेनटेन रखा तो अब उसकी उसका वो नया बन रहा है उसमें तो थोड़े थो दिन लग जाएंगे वो कह रहे हैं कि थोड़े दिन की बात है जब वो रिपेयर हो जाएगा हम पानी छोड़ेंगे जी बसंत जी ये प्राकृतिक आपदा है जिसको नेचुरल क्लैमिटी कहते हैं और मुझे लगता है कि चाहे वो मेट डिपार्टमेंट हो मौसम विभाग हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो कमांड एरिया हो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो जैसे किसान बोर्ड है इनको एक समन्वय और तालमेल बना के चलना चाहिए कि ड्रॉट कभी भी आ सकता है उस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें कोई कंटीजेंसी प्लान आकस्मिक योजना बनानी चाहिए हाँ मनोज जी मैं इस पर आपके साथ चर्चा करूँगा कि हमारी जम्मू कश्मीर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने उन्होंने एक नई स्कीम आई है एच तो उसमें रखा है उन्होंने सोलर पम्प्स को मेरी भी किसानों से आपसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि वो इमीजिएट अप्लाई करें और अपने अपने खेत में सोलर पंप लगाएँ उससे बिजली प्रॉब्लम हल हो जाएगी और लोगों को पानी भी पूरा मिलेगा जी क्योंकि इसमें बहुत बड़ा उन्हें एक मतलब अमाउंट रखा है सोधर के लिए तो हम किसानों को बोलते रहते हैं जहाँ इनसे मिलते हैं लेकिन ना जाने लोग समझते कम है सोचते मतलब कम है और जे सोच इमीजिएट अप्लाई करो और महकमा बैठा है पैसे देने के लिए जिसको कोई प्रॉब्लम आती है हम भी बैठे हैं क्योंकि हा, हा, जो हमारा काम है किसान एडवाइजरी बोर्ड का हम तो ब्रिज का काम करते हैं किसान और गवर्नमेंट के बीच में तो जो हमें अंदर का पता है कि इसमें बहुत फंड आए हैं इन लोगों को जल्दी अप्लाई करने की जरूरत है क्या बसंत सैन जी माना जाए कि एडवाइजरी बोर्ड में कमी है जो इसका प्रचार ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या किसान समझना नहीं चाहते हैं नहीं एडवाइजरी बोर्ड तो हमेशा लोगों के बीच रहता है जैसे मैं अर्नीय रहता हूँ मैं काफ़ी किसानों से मिला हूँ उनको कहता रहता हूँ यार आप जो फैसलिटीज आ रही हैं नो जी एक हजार करोड़ रुपया एक वन ईयर का है एग्रीकल्चर के लिए जो फंड्स आए हैं मतलब के इतने फंड्स एक एक, एक हज़ार करोड़ रुपया पर ईयर पर ईयर बहुत फंड हैं जी तो ऐसी कोई बात नहीं हमने अवेयर किया किसानों को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बहुत अवेयर घर घर जा रहा है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम भी कह रहे हैं लोगों को लेकिन लोग हिलते काम लोग छोड़ छोड़ो क्या करना यार देख लेंगे यार लेकिन लोग यकीन काम कर रहे हैं अब लेकिन आस्ता आस्ता अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा पहुंच गया तो मैं एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे नंबर वन हो जाएगा आपने कहा कि पारियर एक हज़ार करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए अलग अलग विभिन्न स्कीमों के तहत आया है तो इट मीन्स स्कीमों का प्रचार सही ढंग से नहीं हो पा रहा है लोगों के बीच वो स्कीमें नहीं पहुंच पा रही नहीं ऐसी बात नहीं जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हम भी इसमें नती प्रोजेक्ट आए हैं टोटल जी मतलब जितने भी हमारे एग्रीकल्चर है एपीकल्चर है फ्लोरिकल्चर है हॉर्टीकल्चर है टोटल नत्ती प्रोजेक्ट्स हैं तो मशरूम का है कोई भी इसमें यूथ को बहुत उन्होंने आगे रखा है कि यूथ आए क्योंकि आपको पता जी अब सर्विस तो कम हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि अपना काम करना पड़ेगा तो इसमें यूथ को आगे आने की जरूरत है बहुत से प्रोजेक्ट हैं और इन इन्होंने गाँव गाँव में अपनी बुक्स जो डिस्ट्रीब्यूट की हैं महकमे ने और हम भी लोगों को इकट्ठे करके यही कहते हैं कि आप इसमें एच में शामिल हो यहाँ डेयरी फार्म जो हैं दस लाख से लेकर चार करोड़ तक स्कीम है इनकी डेयरी फार्म की तो हमारे जम्मू कश्मीर में दो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं डेयरी के चार चार करोड़ के वो भी गए हैं उसके बाद साइलेज के प्रोजेक्ट आए हैं एक एक करोड़ का है बीस बीस लाख का है जी उसमें आपको पता है मनोज जी हमारे जम्मू कश्मीर में फोडर की जब बहुत ज़्यादा कमी है हाँ, दूध तो जहाँ पूरा हो गया है मिल्क जहाँ पूरा हो गया है तो अब जो मीट वगैरह वो भी पूरा हो रहा है अब कमी है फोडर की तो उस पर गवर्नमेंट ने बहुत तरजीह दी है गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्ट ले रही है लेकिन लोगों को आगे आने की जरूरत है क्योंकि कुछ एरिया जैसे मढ़ का एरिया है जैसे मेरा अपना एरिया अरनिया का जहाँ पर साइलिस की बहुत मतलब के वहाँ सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं क्या वो सारे जो बनता है जो मक्की से बनता है तो मेरे इलाके में एक हज़ार एकड़ जमीन है जहाँ मक्की हो सकती है और मड़ में इसके दो प्रोजेक्ट लगे लग गए हैं जी वो अब हमारे भी एरिए में तो एक दो प्रोजेक्ट लगेगा उसके बाद फोर्ड्री की जो कमी है वो कम हो जाएगी और तो किसानों को राहत मिलेगी जी क्या प्रसन्न जी आपको नहीं लगता है कि आ, पंचायत वाइज या ब्लॉक वाइज कुछ शिविर जो लगाए जाने चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और इस तरह की ड्रॉट जैसी स्थिति बनती है उससे कैसे निपटा जाए ये किसानों को बताना चाहिए अब नो जी जे जे मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अब क्या भी कर सकता है सर क्या कर, क्या, क्या कर सकता है गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है इसमें जैसे कंडी एरिया है वहाँ अगर वो कैंप लगाए क्या करेंगे पानी तो उन्हें नहीं मिलेगा वो उसके पहले सोचना था उन्होंने कि जहाँ क्या पानी कितन, कितना कितना गहरा है ट्यूबवेल लगाते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता तो हमारे एरिए में इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है गंदम अच्छी है और इस साल बैटर आएगी क्राप अगर दस दिन के अंदर, अंदर एक बारिश हो जाए तो किसानों को रिलीव मिलेगी बचन जी आपने कहा कि कंडी के किसानों के लिए अब क्या किया जा सकता है वो भगवान भरोसे है लेकिन ऐसे किसानों के लिए एक सरकार की तरफ से कोई मदद होनी चाहिए हाँ सर अगर उनकी क्राप फेल हो जाती है जी तो मैं तो मैं तो कहता हूँ कि उनको रिलीव मिलना चाहिए उसका जी जैसे इंश्योरेंस स्कीम है वो हमारे जम्मू कश्मीर में चार क्राप इंश्योर्ड हैं जी गंदम है मेज है पैडी है सरसों है ये चारों क्रॉप इनकी इंश्योर है तो जब ये नहीं होगी फसल तो उनको मिलना चाहिए उनका पैसा ये क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ किसान क्यों ले जाते हैं देखो आज से एक साल पहले जी जहाँ शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की वहाँ गवर्नर साहब ने हमारे जो हानेबल गवर्नर साहब हैं उन्होंने जो स्कीम अनाउंस की थी जी हर किसान इंश्योर में इंश्योर करवाए जी और उन्होंने जो चार कराब में पहले था कि विनोद जी अगर पूरी रियासत खत्म होगी तो आपको मिलेगा इंश्योरेंस उन्हें उसको उड़ा के उन्होंने अब कहा कि एक पंचायत अगर खत्म होगी तो इंश्योरेंस मिलेगा अब तो पंचायत के जे आज हमारा जितना कंडी बैठे इसमें हजारों पंचायतें आती हैं जी तो सारी खत्म हो रही है तो अब अगर किसानों ने इस पर इंटरेस्ट लिया होगा इंश्योर तो गवर्नमेंट देगी उसमें कोई शक नहीं है जी आप उनको प्रोत्साहित क्यों नहीं करते कि क्रॉप को इंश्योर करवाएं कितना पैसा लगता है क्रॉप इंश्योरेंस में सर आजकल तो हर हर किसान का क्रेडिट कार्ड बना है तो वो ऑटोमेटिक उससे काट लेते हैं पैसे जितनी किसी की जमीन वहाँ मैंने दी है अगर बैंक में उसी लिहाज से वो पैसा काट लेते हैं और मिलता भी है पिछले साल नहीं मिला था लोगों को दो साल पहले जब उर्ट्रिक नहीं मिला चंद लोगों को मिला था जी. अब लोग अवेयर हैं उन्हें इस वक्त पता नहीं कंडी में कितने लोगों ने अपनी कलाब कराई है सोच या नहीं करवाई है जी बसंत जी जब पता है कि कभी भी ड्राट आ सकता है सूखा आ सकता है ये प्राकृतिक आपदा है इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती कोई ऐसी प्लानिंग नहीं बनाई जा सकती है देखो मनोज जी जहाँ मैं फिर बात आई हमारे जो एरिया है जैसे मैं कहता हूँ हर जमीन में पानी है जी जहाँ रणवीर कनाल अच्छी पहुँचती है आरसपुरा में जैसे बिश्ना में हर जमीन में पानी है तो गवर्नमेंट भी पंप सेट दिख रही है तो लोगों ने इंटरेस्ट लेकर लगाने चाहिए क्योंकि नहर जो है वो तो तीन महीने शायद दो महीने तो बंद करनी पड़ेगी अगर नहीं बंद करे रिशिल्टिंग के लिए तो के, के लिए रिपेयर के लिए माइनर रिपेयर होती हैं उसके जी, लिए जी। अगर वो नहीं करें फिर तो किसान को पूरा साल उसका भुगतना पड़ेगा क्योंकि पैडी को हमें चौबीस घंटे पानी की जरूरत होती है तो इसमें गंदे में बहुत कम एक ही पानी चाहिए दो ही पानी चाहिए जी तो वो लोग कुछ बिंग एडवाइजरी मेंबर आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भूमिका ठीक है इस वक्त जब किसान संकट में देखो बनोद जी दो साल पहले की मैं बात नहीं करता लेकिन दो तीन साल से हमारे जहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दो तीन कमीशन रहे हैं जैसे हमारे जहाँ नवीन चौधरी थे अटल डुल्लू भी रहे अटल डुल्लु ने तो मैं कहता हूँ उन्होंने श्री उन्होंने इतना हमारे जो चीफ सेक्रेटरी इतना काम किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें किसानों को बता दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर होता क्या है हमें जिन चीज़ों को नहीं पता था उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया कहाँ से उनका इतना इसमें नॉलेज दिया उनको कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई चीज़ छोड़ी नहीं है यहाँ किसान को फ़ायदा नहीं होगा जी लेकिन अब इस वक्त जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को करना चाहिए क्योंकि संकट की घड़ी में पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है नहीं अब तो इस मैं देखो विनोद जी इसमें कोई दो राय नहीं पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई आता नहीं था किसी में ए, ए, कहते क्या एग्रीकल्चर यार लेकिन आज की डेट में जितना परसूशन इसमें हो रही है गवर्नमेंट की पहले कभी नहीं थी और अब मैं कहता हूं कि जो वीक पॉइंट है वो हम लोगों में है कि जो हम इनके ऑफिस में नहीं जाते हैं नहीं पूछते हैं भाई हमें ये चाहिए ये चाहिए इग्नोर तो करेगा नहीं गवर्नमेंट सख्त है पीछे जो हमारे एल साहब बहुत सख्त हैं उन्हें भी मैं कहता हूँ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना इंटरेस्ट लिया है दो साल में कि मैं सोच नहीं सकता जी लेकिन जिस तरीके से इस वक्त किसान का हाथ थामना चाहिए ख़ास तौर पर कंडी इलाके के किसानों जिनकी मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी अगर बारिश टाइम पे नहीं होती है जी उसका कोई अल्टरने इंश्योरेंस के अभी मैं आपसे माध्यम से अनाउंस कर रहा हूँ अभी भी इंश्योर करवाएँ आप इंश्योर नहीं है और कोई उसका अल्टरनेट नहीं है जी वो खुदा ईश्वर उनकी मदद कर सकता है उधर इंसोर्स बार में कर सकता है जी बाकी गवर्नमेंट ने इसका रखा है प्रोविज़न रखा गंदम का जी वो उसमें आएंगे पंचायत क्या वो तो पूरा एरिया कितने पंचायतें खराब हो रही है जी अगर आज भी लोग इंटरेस्ट है तो उसमें पैसा मिल सकता है गौसम जी पहले पानी चैनलों के माध्यम से लास्ट डे लैंड तक जाता था कुछ किसानों की भी गलतियाँ हैं जिन्होंने छोटे छोटे चैनल्स को तोड़ दिया अपने छोटे से मुफाद के लिए कि मेरे खेत में पहले पानी आ जाए बनोजी जब ये कनाल बनी ना हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि अगर मैं 50 लीटर पानी अरनै में ख़राब करता हूँ नहर का तो जो राजा था वहाँ से मुझे उठाकर लेता था चनाब में 20 लीटर पानी मेरे कंधे सिर पे मतलब उठाकर वो कहता जहाँ शोर वा के इतनी सख्ती थी तो कनाल में छाट नहीं आती थी अब ये इन्होंने इतना रिलैक्स कर दिया जहाँ किसान का मन करता है वहीं से नहर काट ली जैसे किसान का मन नहर काट ली और गवर्नमेंट कितनी रिपेयर करेगी उसमें हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं लेकिन पहले जब ये कनाल बनी इसका जो एरिया था जहाँ पर ये लगती थी पैडी वो बहुत कम आ कम था तो आजकल तो हर किसान चाहता है मैं पैडी लगाऊँ पैडी लगाऊँ उसके लिहाज से जो नहर की कैपेसिटी थी इन्होंने बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो छः महीने पहले मेरा हम गए थे कश्मीर में वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहाँ वाइस प्रेजेंट आया था वाइस चेयरमैन आया था इसका प्लानिंग का उन्होंने हमसे पूछा अब क्या चाहिए हमने यही कहा था जो हमारी कनाल है रणवीर कनाल है इसको एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाए नया प्रोजेक्ट जैसे हमारे सुरंगें बन रही हैं इतनी इतनी बड़ी अच्छे रोड बन रहे हैं नेशनल हाईवे उसी पैटर्न में इसको एक ही किसी एजेंसी को दें टेल से लेकर जम्मू तक नया एक खिलौना बनाए इसे एक हेरिटेज तरीके से लें ताकि किसानों को पानी मिले इसमें कोई दो राय नहीं अगर अच्छी नहर हो जाती है पानी मिलेगा जी जी गवर्नमेंट का मैं कहता हूँ जितना ही पैसा गवर्नमेंट का क्या चीज़ है जी लेकिन इस नहर को रणवीर कनाल एक दफ़ा दोबारा इसका मनोजी इस इसमें बहुत पैसा लगा इसमें पहले बी डी में लगा फिर अब अप, अपेक्स अप अप चल रहा है इसमें ए आई बी पी स्कीम आई थी उसमें पचहत्तर करोड़ रुपये आया थे नहर का लेकिन नहर वहीं की बही है जीवन जी और, ये, ये ट्रांसपोर्टेशन का जरिया भी हो सकता था नहर माध्यम हाँ माध्यम से लोग यात्रा भी कर सकते थे नहीं छोटी कनाल है जहाँ यात्रा नहीं ये जो बड़ी सरकार को विचार करना बिल्कुल। जार 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 बदल सकती है लेकिन उसको मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश है जहां से एक हमारा जो कलवर्ट बोलते हैं जहाँ कलवर्ट कलवर्ट है ना जी जो आउट सॉरी आउटलेट्स जी जहाँ एक से जहां पानी जाता है अगर जब सौ आउटलेट्स हो जाता है तो हमारी डिस्ट्रीब्यूट उसके आगे ट्यूबवेल का सकते हैं नहर के दो दो ट्यूबवेल जितना पानी बाहर जाता है उतना बीज चल जाए तो मेरे ख्याल में जो पानी पूरा बाडी में जा सकता है बहुत से तरीके हैं इसको एक तो नई कनाल बनाएं पूरे स्ट्रक्चर नया बनाए सरिए डालकर जितने हमारे आउटलेट्स हैं सर कोई भी किसानों ने छोड़ा ही नहीं है क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं ना इंसान को लेकिन इस पर अब जोर देने की जरूरत है जितने आउटलेट्स नहर के हैं हमारे और जो माइनर्स हैं इनको दोबारा रिवाइव किए जाए तो मैं कहता हूँ किसान हमारा इतना खुश होगा और इतने हमारे चांसेस हैं इतने अच्छी खराब होती है हमारे इलाका में बासमती होती है आपको पता है जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है आर्सपुर की बासमती लेकिन अब वो पानी जो है उसका लुप्त हो रहा है पानी मिल रहा है तो खुशबू जा रही है तो मेरी यही बेनती है कि नहर के लिए जल्दी से जल्दी कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट लाया जाए ताकि पानी क्या बसंत जे मानते हैं कि चुनाव का पानी की जो ठंडक जो उसकी खुशबू है उससे चावल की खुशबू होती थी अब चनाब का पानी टेल एंड तक नहीं पहुंच रहा है तो बासमती की खुशबू भी लुप्त होती जा रही है मैं सर पहले कह रहा हूं कि पहले मेरे गांव में दो डिस्ट्रीब्यूटी हैं डी फिफ्टीन और डी फोर्टीन सर लोग गर्म पानी पीते थे गढ़े में डालकर अपना पानी नहर में छोड़ते थे गर्मी खरबूजे बीज में बांध के छोड़ते थे तरबूज छोड़ते खाने के लिए ठंडे हो जाते थे सर अब तो ये बिछरा नहीं पहुँच रहा उसका पानी ठंडा पानी है तो बिश्राम नहीं पहुंच रहा मीरा साहब नहीं पहुंच रहा तो कहाँ वो का, नहीं इसलिए तो जो हमारी बासमती की जी सुगंध ही पो नहीं रही जी और कोई कारण नहीं है जी इसमें मैं नहीं कहता कि जमीन भी तो इसमें आती है है जमीन की जो तस्वीर है वो अच्छी है बासमती के लिए लेकिन ये दोनों का एक मिलन था वो जमीन अच्छी और उसका ये ये नहर चनाब का पानी अगर ये आज भी लोगों को मिल जाए तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि वो दोबारा वापस आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन के लिए कहा जा रहा है कि हम जो इस्तेमाल कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्रॉप की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है कितनी सच्चाई है इसमें सर को कोई दो राय नहीं है जी कि सिस्टम किसान सिस्टम में मुनाफा कम हो गया वो हैं है सिस्टम ऐसा आ गया है जी कि पहले सिस्टम था जब हमारी जो ये पैडी थी इसमें घास आता था हम हाथों से उखाड़ते थे हाथों से उखाड़ते थे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता अब अब हर किसान चाहता है स, सस्ता काम वो लेते हैं पैसे पेस्टिसाइड लेते हैं स्प्रे लगाते हैं वो उससे पैडी बच जाती है गाज चला जाता है लेकिन उनको नहीं पता इससे हमारी जो खुशबू थी वो चली जा रही है उसमें थोड़ा हमें काम करने की जरूरत है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोग आगे आ रहे हैं आपको क्या लगता है और किस रफ्तार से लोग आगे आ रहे हैं मिनोदी हमारा जो हमारा जो एरिया है वो फर्टिलाइजर में इतना इतना डिपेंड हो गया है ऑर्गेनिक के पाँच छः साल लगेंगे जी लेकिन आस्था आस्था अगर लोग आए तो कुछ एरिया हमारा जैसे चक्रोई में एरिया कुछ एरिया क्लस्टर बनाया है लोगों ने वहाँ पर ऑर्गेनिक प्योर हो रहा है लेकिन इस पर ज़रूरत है आने की जी क्या लगता है आपको किस रफ्तार से लोग आगे आ रहे हैं लोग ऑप्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग सर क्योंकि उसमें आपको प्रोडक्शन कम मिलेगा बिल्कुल फिर आपने अगर कर कम्पीट करना है आपने पैसे भी लगाए तो आपके लिए दिख देखो ना यही दे तो बात है ना, मैं कह रहा हूँ पहले हमारी जो हमारी जो जमीन है वो इतनी डिपेंड वो लोग लो, लो हमारे अरनैया में गोभी बहुत लगती है मनोज जी एक कनाल में जहाँ पाँच के जी की जरूरत होती है लोग वहाँ सौ के जी डाल रहे हैं सीड अवेयर सीड नहीं मैं वो फर्टिलाइजर जूरिया पर उनको अवेयरनेस नहीं है पर यार जहाँ क्योंकि जूरी क्या चीज़ है जब पड़ता है जमीन में जितनी पौधे को जरूरत होती है बाकी ये ऊपर चला जाता है नाइट्रोजन है पौधे के लिए लेकिन किसान डाल रहे हैं उनको सोचते भाई बहुत ज़्यादा फसल आएगी यही कारण है कि हमारा जो क्रा में रियाल्टी जो टेस्ट अब उन्हें नहीं रह रहा जी तो ये चीज़ें आप बींगे बोर्ड मेंबर आपको ये जो कैंप्स वगैरह लगते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी समझाना चाहिए किसानों को कि ज़्यादा यूरिया डालने से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी सर हम हर साल कैंप लगाते हैं एक साल पहले बहुत बड़ा कैंप लगाया एक हज़ार गैदरिंग की अरनिया में हमारे चीफ सेक्रेटर साहब बन गए थे लोगों को समझाया हमने पे ऐसा ऐसे करें नहीं कहाँ मानते हैं लोग फिर भी आस्ता आस्ता जो समय आ रहा है मेरे ख्याल में दो तीन साल में ये आ जाएगा इस पर लोग छोड़ देंगे फर्टिलाइजर को जी आस्ता, आस्ता। बसंत जी आपने आलूओं को पोटैटोज को हाँ। आपने ही रिवाइव रखा है ना बाकी खेती कम होती जाए मनोज जी आपने नई टेक्निक लाई है नया इक्विपमेंट लाया है वहाँ से जर्मनी से लाया नहीं नहीं मैंने जनंद से लेकिन जर्मनी की बनी हुई है जी जी वो मशीन जी, जो है ग्रामे कंपनी की मशीन है जी, जर्मन से बनी हुई है लेकिन मैं थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल हॉबी है आलू मेरी हॉबी भी कह सकते हैं तो उस मैं नहीं कहता है कि उससे पैसा नहीं आता पैसा भी आता है लेकिन थोड़ा सा बाजार में मंदा पड़ने से क्योंकि हमारी जो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पंजाब से मुकाबले कर सकते हैं हम जी तो पंजाब हावी हो जाता है जी हमारे बंदे काम करते हैं लेबर काम करती है उनकी मशीनें काम करती हैं वो तीन सौ रुपये का अगर एक कट्टा आलू जहाँ तो फेंक जाते हैं उससे हमारा किसान आस्ता आस्ता पीछे हट गया जी कोई थोड़े से तीन चार गाँव बचे हैं जहाँ पटेटो हो रहा है बाकी जो लोग हैं ना वो छोड़ गए हैं लेकिन तो मैंने आपको कहा मैंने इस साल ही पच्चीस एकड़ लगाया टमाटर अपने ये पोटेटो क्योंकि मैंने मैं गवर्नमेंट का सीड सप्लाई करता हूँ उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं आगे खुशी का अब ये मुकाम है कि आगे मेरी बात जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उससे बातचीत हो गई है अब तो मैं चाहूँगा अगले साल में पूरे जितने मेरे किसान भाई हैं उनको साथ लेकर हम पूरे अरैया में पाँच सौ एकड़ आलू लगाएंगे इसमें कोई शक नहीं है जी कितनी फसलें एक साल में लगाई जा सकती हैं बड़ा बड़ी बढ़िया तो, देखो सर जी फसलें हम तीन लगा सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम जब तीन लगाएंगे तो फिर जो हम उसको कहते हैं जो उसकी जो झील डबो कम होगी अच्छा जील का जैसे अर्ली वराइटीज है हमारी पैडी की वो लगाओ उसके बाद आलू लगाओ उसके बाद आप गंदू लगा सकते हो तीन क्रॉप आ सकती हैं लेकिन फिर उसकी जो झील डेबो मिलेगी हमको जी उस फर्क पड़ता है लेकिन लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए वो तो मैंने वही बात करी डाइवर्सिफिकेशन तो जैसे इस साल हमारे अर्निया की जो गोभी थी मार्ग की गोभी पाँच रुपये के जी भी की अब थोड़ा रेट बना है उसका वही बात एकड़ लगाई पूरा गाँव पड़ गया उसके पीछे लगा दस एक एक हज़ार एकड़ लगा दी तो खाने वाले तो लोग कितने बड़े हैं तो हम लोग कहते हैं डाइवर्सीफाई करें आप इसको जी आप कोई आलू पे आए कोई गोभी पे आएँ कोई टमाटर पे आए, आए बहुत सी क्राप्स हैं जो हमारी जो हम पैसा ले सकते हैं जिनसे कैश क्राप बहुत सी हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे गाँव में जहाँ जो एक चलेगा वहाँ से चलेंगे तो जब इनको धोखा होता है मंडी में तब जब उसको करते हैं जैसे सरसों है, है, सा है। है हाँ। है। एक साइड में चुम्बिया एरिया है वहाँ पे मूंगफली लगती थी ठीक हाँ। है फिर हम शुगर के देखते हैं गन्ने के कमांड जिसको बोलते बिल्कुल राइट वो लगा करते थे आजकल वो लुप्त है मैं बचपने में देखा है इनको लेकिन आजकल वो बिल्कुल गायब है सर बात यह अब माश की दाल भी लगा करती थी। हाँ सर बात इसमें ये है जो गन्ने की बात कर रहे हैं आप गन्ना एक साल में एक खराब होता है जी एक साल में उसके बाद है उसके बाद हमारे एरिया में कोई उसकी मार्केटिंग नहीं है फैक्ट्री नहीं कोई जी जी तो किसान क्या लगाए एक ना लगाएगा अपने घर के लिए ज्यादा लगाता रही बात मूंगफली की मूंगफली भी वो भी खराब कम हो गई है है ही नहीं मुझे लगता है लुप्त हो गया कुछ, कुछ सौ से एक कुछ लगा अभी लगाते हैं लेकिन हमारे एरिया में तो खत्म हो गई है जी आज से पचास साल पहले थी जहाँ छोटे थे तो हमारे एरिया में गन्ना बहुत लगता था आजकल लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिए खाने के नहीं लगा रहे हैं कहीं नहर के गन्ना लगाते हैं जहाँ वेस्ट लैंड पड़ा हो जी तो गन्ने में सब बेनिफिट तो है लेकिन अगर जहाँ इसकी मिल हो अदरवाइज नहीं दालें भी खेतों से दालें गायब है देखो मनोज जी जो दाल माँ की दाल है जी हमारे किसान हर किसान लगाता है दो कनाल तीन कनाल अपने घर के लिए क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर क्राप्स हम जब देखें तो माँ जो उनकी जो जो क्राप वो बेनिफिट नहीं दे सकती है क्योंकि और क्राप मिस करने पड़ेगी किसान को तो फिर जेल गंदो मिस करने पड़ेगी लेकिन तो उससे उसका कंपटीशन नहीं हो सकता क्योंकि जो ऐसी क्राप्स हैं कभी होती कभी नहीं होती है, जी ये कारण है एक कॉपरेटिव सहकारिता से, से किसानों को और उभारा जा सकता है वो सेक्टर अभी तो थोड़ा गवर्नमेंट उस पर कंसनट्रेट कर रही है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है अब मनोज जी, जी जी तीस साल पहले जो एक ये डिपार्टमेंट था कोऑपरेटिव ये सबसे बी था जी जे के स्टेट में उसके बाद उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉलिसिया ऐसे आई हाँ। मैं नहीं ब्लेम करता कि लोगों ने इसको फेल किया लोगों ने फेल किया और गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया अभी दोबारा हाने मंत्री जो हमारे केंद्र में बैठे हुए हैं शाह साहब अमित शाह जी वो इस पर जोर दे रहे हैं और मैंने आपको अभी कहा कि मैं एक हफ्ता पहले गुड़गांव में था वहाँ पर दो दिन हमें वर्कशॉप थी इसी को इसी मूवमेंट पर क्योंकि एक मूवमेंट है सर ये जदोजैद है ये किसानों में हो, इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो इकट्ठे होकर काम जो बड़ा काम नहीं कर सकते हम हम दस बंदे मिलें बड़ा काम कर सकते हैं बहुत बेनिफिट है लेकिन मुझे लगता है कि दो तीन साल के बीच बीच इसका हल हो जाएगा क्योंकि अब एक साल हमारी जशा मुदगल थी हमारे कमिश्नर बहुत मेहनत की अब नई यहाँ अरकवाल साहब आई हैं वो भी हमारे परसों मीटिंग हुई है वो भी लग रहा है अब इसमें गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं जी सैनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती समय दिया धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि जल्द बारिश हो और जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है ड्रॉट की वो खत्म हो थैंक यू तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार